तो एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बोला कि आप किसी चीज में एम्प्लॉयड हो, इसका मतलब क्या हो गया, आप एंगेज्ड हो। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं आपको बोलूंगा वर्ड एम्प्लॉयमेंट, तो वो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज्ड हो वे उस जिस एक्टिविटी से आपको अर्निंग मिल रही हो, मतलब आप कोई एक्टिविटी में एंगेज्ड हो जिससे आप लाइवलीहुड कमा रहे हो। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया, आपका जॉब भी हो गया सैलरीड जॉब, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो आप करते हो वो भी हो गया, ये दोनों के दोनों आपके इसमें आ जाएंगे। और आपके रोजी रोजी पे काम करने वाले जो लोग नहीं होते क्या, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो वो लोग भी इसमें आ गए। तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन देखेंगे तो वर्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया, वर्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया कि आपके ऐसे लोग, आपकी कंट्री के ऐसे लोग जो किसी न किसी काम में एंगेज्ड है, जिस काम और उस काम से उनको अर्निंग भी हो रही है। एंगेज मतलब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो भी मैं एंगेज होता हूँ किसी न किसी काम में, लेकिन वो मेरे लिए लाइवलीहुड लेके आ रहा है क्या, नहीं लेके आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज कंसर्न करने से कंसर्न है जिस एक्टिविटी में एंगेज होके आपको अर्निंग मिल रही है, यू आर अर्निंग समथिंग, जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, पेज नंबर 238 पे हूं मैं, चैप्टर नंबर 9 एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स टू वर्क फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, एंड वर्क मतलब क्या, वर्क रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स दैट ऑल हु आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग इनकम आर कंसिडर्ड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। दिस इंक्लूड्स हायर्ड वर्कर्स एज वेल एज द एंटरप्रेनर्स हु हायर देम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल लेबर फोर्स। पोटेंशियल लेबर फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो ये इसमें दो वर्ड है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसमें वो बनने की क्षमता है, जिसमें उस वो कुछ बनने का क्या बोलते हैं अपन लोग, ताकत है, इच्छा है, जो भी है। तो पोटेंशियल मतलब लाइकली, ठीक है, लाइकली क्या आपका लाइकली। और लेबर फोर्स मतलब क्या, लेबर फोर्स से इसका अपना मतलब क्या वो अपन पढ़ते हैं अभी। द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट इज रेफर्स टू एज वर्क फोर्स और मैन पावर। देर आर पीपल हु वॉलंटरी ऑप्ट नॉट टू वर्क इवन दो दे आर एबल टू वर्क, सच पर्सन आर कॉल्ड वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड। अब वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, ऐसे लोग आपकी कंट्री में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से काम नहीं करना प्रेफर कर रहे हैं, जो अपनी इच्छा से कोई काम करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया, सबसे बड़ा एग्जांपल लोग, सबसे फेवरेट एग्जांपल लोग देते हैं हाउस वाइफ का। आपकी मम्मी एबल टू वर्क है लेकिन अपनी इच्छा से बाहर काम नहीं कर रही, अगर वो नहीं है क्या, नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी अपनी इच्छा से काम वो नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि शी प्रेफर्स टू मेक होम रैदर देन टू अर्न, बाहर जाके काम करना। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो वॉलेंटरीली नहीं कमा रही है। तो वॉलेंटरीली अगर वो नहीं कमा रही है तो वो क्या आपके लेबर फोर्स में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलो मानव। आपकी मम्मी अगर हाउसवाइफ है तो उनको पोटेंशियल लेबर फोर्स में अपन लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेके, नहीं लेके सर। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो अपनी इच्छा से उस लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनने जा रही है। मतलब जब अपन लोग गिनती करेंगे कि इंडिया में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, उसमें आपकी मम्मी, मेरी मम्मी या ऐसे सबकी मम्मी जो हाउसवाइफ है उनको इंक्लूड करा जाएगा अनएम्प्लॉयड में, मानव? नहीं सर। नहीं, क्यों, क्योंकि वो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से काम नहीं करना प्रेफर कर रही है, इसलिए उनको अपन लेबर फोर्स में नहीं गिनेंगे। अच्छा, और अपन कौन से लोगों को नहीं गिनेंगे भाई, 14 साल 15 साल तक के बच्चे जो काम नहीं करते, ठीक है, वो लॉ ही उनको बोलता है कि उनको काम नहीं करना है। तो जब अपन पोटेंशियल लेबर फोर्स की गिनती करेंगे या अनुमान लगाएंगे तो 14 साल तक के बच्चों को अपन कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिमिलरली क्या 60 साल के ऊपर वाले लोग जो वर्केबल एज में नहीं है, जो रिटायर्ड लाइफ वाले, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उनको कंसिडर करेंगे? नहीं, उन्हें भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आपका पोटेंशियल लेबर फोर्स क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन जो आपकी कंट्री की है वो, उससे आप लेस करोगे क्या, चिल्ड्रेन एंड द एजेड, चिल्ड्रेन एंड द एजेड, एंड लेस करोगे वापस क्या, वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड, ऐसे लोग जो वॉलेंटरीली काम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, तो ये कौन से पेज पे दिया है, 238, पेज नंबर 238। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल लेबर फोर्स। अब मुझे बताओ देवांश, नहीं देवांश तो ये चैप्टर पढ़ चुका है, कृपा आप मुझे बताओ कि अपन लोग पोटेंशियल लेबर फोर्स में से इन लोगों को हटा रहे हैं
तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब अपन लोग इस पॉपुलेशन को क्यों नहीं गिन रहे जो काम नहीं करना चाहती या काम करने के लिए एबल नहीं है। कृपा आवाज आ रही बेटा? हाँ, अपन लोग पोटेंशियल लेबर फोर्स गिनते टाइम वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड जो है उनको अपन लोग और ये एजेड और बच्चों को अपन लोग एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? जी सर, उनके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है वर्क करने का। नहीं बेटा, पोटेंशियल है आपकी मम्मी में, पोटेंशियल नहीं है क्या काम करने का? इच्छा नहीं है तो वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना एक के साथ। मतलब तुम फिजिकली उतने फिट नहीं रहते हो ना, तो मे बी ओल्ड और बच्चों को नहीं। जैसे आज मेरे पापा 60 प्लस है लेकिन वो बैठ के बढ़िया काउंटर पे एकदम बढ़िया काउंटर संभालते जैसे पहले संभालते वैसे संभालते। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्री का पोटेंशियल लेबर फोर्स क्यों निकालेगी? क्योंकि उसको चेक करना होगा कि कितने लोगों के पास पैसा जनरेट नहीं हो रहा है मेरे यहाँ, राइट? हाँ, तो अब कितने लोगों के पास पैसा जनरेट नहीं हो रहा है उतने लोगों को मेरे को जॉब प्रोवाइड करना है, तो उनको उस हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, कि उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि भाई मैं को कितने लोगों को जॉब देना है, और जब मैं डेवलप करूंगा कितने लोगों को जॉब देना है, मैं काउंट करूंगा मुझे कितने लोगों को जॉब देना है, तो मुझे ऐसे लोगों को तो हटाना पड़ेगा ना कि जो मेरे हिसाब से वर्केबल एज के ही नहीं है, राइट? हाँ, तो बस उसी के लिए अपन लोग पोटेंशियल लेबर फोर्स में से वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड और अपने रिटायर्ड और बच्चों रिटायर्ड एज वाले और बच्चों को अपन लोग हटा देते हैं। सबको समझ में आया? हाँ सर, यानी सर हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब ये कैटेगरी के लोग नहीं करेगा। अपने को लेबर फोर्स निकालना क्यों? अपने को क्योंकि ये देखना है कि अपने कंट्री की आज जरूरत है, अपने को स्कीम्स लॉन्च करनी है, अपने को सब कुछ लॉन्च करना है, तो अपने को एक गिनती लगेगी, और वो गिनती के लिए अपन लोग अगर इन लोगों को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हो सकता है कि अपनी गिनती भी कम हो जाए, अपना रिसोर्सेज भी अपने को ज्यादा लग जाए। तो ये सब चीज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इसलिए अपन लोग पोटेंशियली पोटेंशियल लेबर फोर्स में से वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड को और एजेड और बच्चों को हटा देते हैं। बोलो दीक्षा। तो सर उसी हिसाब से फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगे ना। एग्जैक्टली, यस यस यस। बोलो दीक्षा। पेज नंबर मेरे को मिल नहीं रहा, मतलब एग्जैक्टली कहां पढ़ा रहे हो? मेरी बुक में 238 चैप्टर 9, चैप्टर 9 का फर्स्ट पेज ही है। हां वो तो पता है, वो पेज नंबर। ओके, नेक्स्ट, लेबर फोर्स इन इंडिया। अब इंडिया के हिसाब से अपन लेबर फोर्स बोलो तो क्या इन इंडिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप वो फॉर्मूले भी को भी अंडरलाइन कर लोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट, इन इंडिया अंडरलाइन करेंगे, बिलो 15 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स क्या है, आर नॉट ट्रीटेड पार्ट एज ऑफ लेबर फोर्स। 15 से कम और 60 से ज्यादा आपका लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है। ओनली दोज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 60 ईयर्स एक्सक्लूडिंग वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड आर ट्रीटेड एज पोटेंशियल लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। मतलब 15 से 60 साल के बीच के लोग, बोथ मेल एंड फीमेल, जो आपके वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड नहीं है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो 15 से साल वाले हैं, वो उसका टोटल निकालोगे 15 से 60 वालों का, और उसमें से आप वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड को लेस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका पोटेंशियल लेबर फोर्स मिल जाएगा। ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, वो उन्होंने नीचे रिपीट किया है, ठीक है? नेक्स्ट, एस्टिमेट्स ऑफ लेबर फोर्स इन इंडिया। रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ विच CSO इज अ पार्ट हैज रिलीज्ड डेटा about the extent of unemployment in India for the year 17-18. The data is in percentage term and expressed as labor force participation rate. Ab underline karenge, definition aa rahi hai. Labor force participation rate is defined as the proportion of total labor force of a specified group to the total population of that group. By groups is meant urban population, rural population, male population, female population, or India's total population. For example, urban population आपने consider कर ली। अब urban population, आप total urban population निकालोगे और उसमें से आप labor force का population निकालोगे, ठीक है? तो उस चीज को जब आप percentage sum में express करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस age group के या इस section के या इस group के इतने लोग मेरे लिए potential labor force है, इतने लोग मेरे लिए नहीं है, ठीक है? According to periodic labor force survey report released by NSO, LFPR of total population of India, underline karenge, during 17-18, 17-18 mein, India ka labor force participation rate kya tha, pencil leke baithenge, underline karenge,
36.9%. मतलब 36% ऑफ 9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज एबल एंड विलिंग टू वर्क. मतलब इंडिया की 36% पॉपुलेशन है जो एबल, 36.9% 17-18 के हिसाब से जो एबल भी थी और विलिंग भी थी काम करने के लिए. LFPR ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन वाज 36.8 एंड 37% रिस्पेक्टिवली. अर्बन का 36.8 और 37% था रूरल का. Nearly same in the both age groups of population. LFPR of female population and male population was 17.5% of female population जो थी आपकी वो willing to work थी, क्योंकि अपना cultural background ऐसा है नहीं कि ladies या females ज़्यादा काम करे, तो इसीलिए females में जो आपका LFPR है वो सिर्फ 17.5% है और males में वो 55.5% है. ये सारे के सारे आप अनलाइन करोगे, कभी कभी CBSE का दिमाग खराब हो जाता है तो इस तरह के दकियानुसी क्वेश्चन भी पूछ देता है ये स्टैट्स और ये परसेंटेज वाले. ठीक है, LFPR of female population and male population ये अपना हो गया. It shows that much more males as compared to females seek work. Note that labor force includes both employed and unemployed. अब जो labor force है उसमें उन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि potential labor force का मतलब ये नहीं है कि आपके वो population नहीं आती इसमें employed वाली. Potential labor force में आपके presently जो employed है वो भी आते हैं और presently जो आपके unemployed है वो भी आते हैं. सबको यहाँ तक समझा क्या? हाँ सर. हाँ, तो इस फर्स्ट पेज में अपना इम्पोर्टेंट क्या चीज है ध्यान रखने की, आपको पोटेंशियल लेबर फोर्स का फॉर्मूला और कंसेप्ट समझना है. अगर कंसेप्ट समझ गया तो वेरी गुड. पोटेंशियल लेबर फोर्स का फॉर्मूला आप अनलाइन कर लोगे. आप 15-60 इयर्स को ध्यान रखेंगे, इंडिया के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा. और लास्ट पैराग्राफ में आपके जो स्टैट्स है 17-18 के जो आपके LFPR उसका फुल फॉर्म भी याद रख लो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, उसके जो आपके स्टैट्स एंड फिगर्स है रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन और ओवरऑल पॉपुलेशन का जो 36.9% है 17-18 के हिसाब से, वो सारी सी फिगर्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे. सबने कर लिया तो मैं आगे बढ़ू? कर लिया? हाँ सर, एक मिनट. करो करो बेटा, अभी के अभी खत्म कर दो ताकि आप जब ये चैप्टर पढ़ के आप क्वेश्चन देखो तो आपको सीधा आंसर करना आ जाए. हो गया सर. हो गया, चलो नेक्स्ट. फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. अच्छा, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ फिर बुक से अपन पढ़ेंगे. फॉर्मल मतलब क्या हो गया बच्चों? फॉर्मल मतलब आपके जो ऐसा वर्कफोर्स जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स या बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े जिनके ऊपर लॉज एप्लीकेबल होते हैं उनके अंदर एम्प्लॉयड है वो फॉर्मल सेक्टर हो जाते हैं और बचे हुए जो आपके एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल होती है. अब फॉर्मल मतलब क्या हो गया? फॉर्मल मतलब क्या हो गया? आपका बंदा या कोई भी बंदा यदि कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी उसको मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई बड़ी सैलरीड जॉब आप लोगे अपनी रिस्पेक्टिव एजुकेशन पूरी करने के बाद, तो आप लोगों को TDS कटता है, आपका PF कटता है, आपका ग्रेच्युटी कटता है, बोनस आप लोगों को हर साल मिलता है. तो ये सब चीजें क्या है, आपके जब इस तरह के डिडक्शंस होते हैं आपकी सैलरी में तो आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में हो? फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हो. तो सर, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होना गलत बात है क्या? नहीं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में यदि आप रहते हो तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आप आते हो और आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपका पेंशन जो होता है, आपका जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन होता है, लीव एनकैशमेंट होता है, ये सारी चीजों का आपका ध्यान रखा जाता है यदि आप फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हो. ठीक है, और यदि आप इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हो, मतलब क्या हो गया, आपके पापा जिसके पापा स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हो, जैसे मेरे हिसाब से अपन लोगों में से किसी के पापा बहुत बड़ी कोई 500-600 करोड़ की कंपनी नहीं चला रही या 70-80 एम्प्लॉयज के उधर कोई इतना लार्ज स्केल में कोई काम नहीं कर रहा है. यदि कर रहा है तो ठीक है, वो फॉर्मल में आता है. लेकिन यदि नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों के अंडर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गए? इनफॉर्मल हो गए. मतलब आपके पापा यदि आपके ऑफिस स्टाफ को कुछ सैलरी देते हैं तो वो यदि कुछ डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उनको ये सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं है. तो ये हो गया इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. अब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चों, आपके पास यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता कि मैं कब अकाउंटिंग एकेडमी में लगा, कब मैं अकाउंटिंग एकेडमी छोड़ दिया, मेरे को उन्होंने पूरे पैसे दिए कि नहीं दिए, ये कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा, गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा. तो दे कैन नॉट ट्रैक मेरा काम या मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे पेमेंट्स वगैरह, इनका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा. मोर ओवर मेरे को कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो अब मैं रीड कर रहा हूँ.
फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू दोज एम्प्लॉयड पर्सन्स हु एंजॉय, अंडरलाइन करेंगे क्या एंजॉय करते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर. मतलब पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे एंड एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद रिटायरमेंट की एज जब आपकी आ जाती है तब भी आपको क्या मिलेंगे, तब भी आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे. द मेजर फॉर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या क्या है, प्रोविडेंट फंड पीएफ जिसको अपन बोलते हैं, ग्रेच्युटी जिसको अपन बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं और अपन मैटरनिटी बेनिफिट्स बोलते हैं. ये सारे बेनिफिट्स किसको मिलते हैं अगर आप किसी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हो. In India, all those who are employed in public sector and employed in only those private sector establishment which have 10 workers or more are treated to be informal employment. मतलब आपके यदि आप 10 से ज्यादा लोगों को employ कर रहे हो तो आपके ऊपर ये सारी PF की act, pension की act applicable हो जाती है और जब ये सारी acts applicable हो जाती है तो automatically आपको social security benefits arrange करवाने पड़ते हैं अपने employees के लिए और जब आपने arrange कराया तो आप formal employment में आ जाते हो. लेकिन यदि आप 10 से कम लोगों को employ कर रहे हो तो आपके ऊपर ये वाली acts applicable नहीं होती है और acts applicable नहीं होती है तो आपको इनके ऊपर rules applicable apply नहीं होते और जब rules apply नहीं होती है तो आप payment अपने हिसाब से दे सकते हो. ठीक है, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का एक दूसरा नाम और है ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, आप इसको अंडरलाइन करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट. Informal employment refers to those employed person who do not get social security benefits. मैं यदि मेरे किसी बंदे को employ करूंगा, जैसे समझ लो आपने या accounting academy में समझ लो या जैसे मंजू मैम थी, जैसे सुनील भैया थे, उनको बस मंथली सैलरी मिल जाती थी. अब मंथली सैलरी यदि किसी को मिल रहा है तो उनके क्या अकेडमी वाले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे. तो ये कौन से तरह की एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हो गई. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनलाइन करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी इसको बोला जाता है. एक और स्टैट्स आया है, इंडिया में 94% ऑफ जो वर्कफोर्स है आपकी वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है. 94, दैट्स ह्यूज. मतलब 94% पॉपुलेशन आपकी ऐसी है जिनके पास थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं. सिर्फ 6% आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है. तो आप अंदाजा लगाओ अपने को इस एरिया में कितना ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है. तो सर अभी अपन ने ये तो देख लिया कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, लेकिन इससे फायदा क्या है, मतलब अच्छा क्या है. फॉर्मल अच्छा है तो फॉर्मल अच्छा क्यों है, इनफॉर्मल अच्छा है तो इनफॉर्मल अच्छा क्यों है. तो डेफिनेटली गाइज फॉर्मल इज मच बेटर देन इनफॉर्मल. आप लोगों ने कभी किसी के मुंह से सुना है गवर्नमेंट कंपनी में लग गए तो बहुत सब बढ़िया हो जाता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता. कभी सुना है गवर्नमेंट जॉब में कुछ सोचना नहीं पड़ता, बढ़िया है, लग जाओ एक बार लग जाओ तो लाइफ टाइम खाते रहो, सुना है? हाँ सर. इसका मतलब क्या हो गया, आप यदि गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो आपको पूरे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट जॉब के मिलते हैं वो तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में क्या होगा, साथ में आपको वो मिलेगा, क्या बोलते, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग गए तो मरते दम तक सरकार आपका ध्यान रखने वाली है, आपकी सारी जरूरतें जो बेसिक्स जो होते हैं आपके लाइफ के वो गवर्नमेंट देखती है एंड आपका इंक्रीमेंट रेगुलर होता है एंड आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको ऐसे वैसे कोई जॉब से निकाल नहीं सकता. इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आपको पता है घूस भी देते हैं, 10-10 लाख रुपए लोग घूस देने को तैयार होते हैं. क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यार मेरे को तो 2.5 से 3 साल में रकम 10 लाख तो पूरी निकल जाएगी लेकिन मेरा रिटायरमेंट पूरा गवर्नमेंट जॉब मुझे निकाल के दे देगा. ठीक है, तो आपका सर लेकिन इसके रीजंस क्या है, लाइक अचानक इतना फॉल क्यों हुआ एम्प्लॉयमेंट? हाँ अपन अभी चार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड ज्यादा क्यों है आपके हिसाब से, है ना? हाँ सर. क्योंकि बेटा अपने यहाँ फैक्ट्रीज बहुत कम है, अपना मैन्युफैक्चरिंग बड़ा नहीं. 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज किसको लगते हैं मुझे बताओ. एक सादा सा ट्रेडिंग कंसर्न भी रहा, 10 एम्प्लॉयज, जैसे मैं मेरा बताता हूँ, यदि मेरे यहाँ का टर्नओवर 6 से 7 करोड़ के बीच में है, मेरे को फिर भी 5 से 7 एम्प्लॉयज में मेरा काम हो जाता है, मुझे 10 एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं पड़ती है. अगर मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, जो हमारा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे मुझे 25 की जरूरत पड़ती, 50 की जरूरत पड़ती, तो वहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, वहां पे मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे, वो मेरा फॉर्मल सेक्टर हो जाएगा. लेकिन आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने कम है, कितने लोग, आपकी पॉपुलेशन 130 करोड़ की है, उसमें यदि अपने पास 5 से 7 लाख की इंडस्ट्रीज होगी तो 5 से 7 लाख इंडस्ट्रीज में यदि आप दो समझ लो कि मिनिमम 50 भी पकड़ के चलो, 5, जबकि स्मॉल स्केल वाली जो आपकी इंडस्ट्रीज होती है एसएमई वाली जिसे अपन कहते हैं वो तो उतने भी लोग एम्प्लॉय नहीं करती है. तो आप समझो ना आपकी वर्कफोर्स है कितना कम, जो आपका वो है वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं. इसका रीजन यही है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है और आपके यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो बाकी जो लोग है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो लोग इतना पे नहीं करते. मतलब आप भी प्रेफर करोगे कि आप
बाकी खर्चे या गवर्नमेंट के इन सब पचड़ों में नहीं पड़ो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब एक एम्प्लॉयर के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपको सोचोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा हैसल रहता है इन सब चीजों में। तो यदि मेरे 10 के ऊपर एम्प्लॉयज हो रहे होते तो वॉट आई विल डू इज, इंडिया में जनरल प्रैक्टिस है कि लोग दूसरी फॉर्म खोल लेते हैं अपनी बीवी को प्रोप्राइटर बना के, एक से खुद प्रोप्राइटर बन जाएंगे, एक से दूसरे उनकी बीवी या उनके रिलेटिव या उनका भाई प्रोप्राइटर बन जाएगा, तो क्या होता है इससे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सारे तरीके भी होते हैं उनको इन सारे लॉज को ओवरटर्न करने के, ठीक है। तो इसीलिए तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो पैसे खा के चुप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये है सैड ट्रूथ कि आपके यहाँ इतना ट्रेसेबल नहीं है, ट्रेसेबल है तो भी कोई एफर्ट्स लेता नहीं है इस चीज में, ठीक है। तो इनफॉर्मल आपका लैकुनाज क्या चीज है जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लैक करती है? सबसे पहला, द इनफॉर्मल एम्प्लॉयज हैव नो लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट अबाउट द कंडीशंस अंडर विच दे वर्क। यदि मैं इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हूं तो सबसे पहली बात गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, राइट। और जब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई कॉन्क्रीट प्रोटेक्शन स्टेप्स भी वो नहीं ले पाएंगे। जैसे भाई अगर मैं माइनिंग में बहुत ज्यादा नीचे ऐसे अनसेफ कंडीशंस में आप एम्प्लॉयज को माइनिंग में डाल रहा हूँ, माइंस में डाल रहा हूँ, या कोई दूसरी जगह डाल रहा हूँ जो अनसेफ या जहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट के कोई एक्ट उनको एप्लीकेबल नहीं होती जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, राइट। सेकेंड, दे कैन बी रिमूव फ्रॉम सर्विस विदाउट एनी नोटिस एंड कंपनसेशन। आप जब गवर्नमेंट की आपको फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और बाकी सारी एक्ट आपको लगती है तब आप एम्प्लॉय को ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है, उसी के बाद आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन यदि आप इनफॉर्मल में हो तो आपको कोई भी कभी भी निकाल सकता है, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट इन विच दे वर्क नॉर्मली यूज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी somewhat involving risk and their lives. अगर आप बहुत ज्यादा बड़े या बहुत ज्यादा अपडेटेड या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका स्केल ऑफ वर्क बड़ा रहेगा, स्केल ऑफ वर्क बड़ा रहेगा तो आपको सारी की सारी एक्ट अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि आपको एम्प्लॉयज उतने लगेंगे। अगर आप इन सारी चीजों में फर्स्ट नहीं रहे हो, ये सारी एक्ट आपको एप्लीकेबल नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा पैसा है नहीं एंड यू प्रेफर टू वर्क एट स्मॉल लेवल, और स्मॉल लेवल पे आप जब वर्क करते हो तो आपकी टेक्नोलॉजीज अपडेटेड नहीं होती है जो कभी कभी आपके एम्प्लॉयज के लिए रिस्की हो जाती है। एंड लास्ट, मोर ऑफ दीज सो पुअरली पेड दैट दे डोंट हैव टू दैट दे हैव टू लिव अंडर डेप्लोरेबल लिविंग कंडीशंस, दे लिव इन स्लम्स एंड टू रेगुलर एक्सेस टू देयर बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। मतलब क्या हो गया, आपके ये लोग जो होते हैं इनके ऊपर मिनिमम वेजेस एक्ट बोलो या इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बोलो, ये सारी एक्ट भी नहीं अप्लाई होती है। अब ये सारी एक्ट भी अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर जो पैसा देने वाला है वो भी उनको बहुत ही रुला रुला के पैसे देता है, वो सिर्फ इतने ही पैसे देता है कि उससे उनका पुरता पुरता हो जाए, सेविंग्स की तो बात दूर की नहीं है, कभी कभी तो उनका बेसिक इम्यूनिटीज ही पूरे नहीं हो पाते। तो आपको यदि क्वेश्चन आया 4 मार्क का कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्यों बेटर है इनफॉर्मल से, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, नो लीगल प्रोटेक्शन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, नो लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट को अंडरलाइन करो, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करोगे अनसर्टेनिटी इन कंटिन्यूएशन, अंडरलाइन करो अनसर्टेनिटी इन कंटिन्यूएशन। थर्ड में लिखोगे रिस्क टू देयर लाइफ, रिस्क टू देयर लाइव्स। एंड लास्ट पॉइंट में आप अंडरलाइन करोगे पुअरली पेड, पुअरली पेड। तो ये 4 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब अपन लोग ये देखेंगे कि एम्प्लॉय इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो एक बैकग्राउंड जब अपन इसका पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि डेवलप कंट्रीज में ऐसा कोई खास ट्रेंड देखा नहीं गया है कि वो जैसे जैसे इकोनॉमिकली डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है क्या। लेकिन जब अपन ने इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा कि भाई जब अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कम थी तो अपने अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे अपनी एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ आई अपनी जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ आई वैसे वैसे अपनी अनएम्प्लॉयमेंट के जो लेवल्स है वो कम होते गए। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कुछ इसमें ट्रेंड बिठा सकते हो, डेवलप कंट्रीज में आप इतना ट्रेंड नहीं बिठा सकते। इसका मेन कारण क्या है, जैसे जैसे आप डेवलप होते हो आप ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाते हो, और जैसे ही आपका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ता है वैसे वैसे आपका ह्यूमन का जो मैनुअल काम होता है वो कम होते रहता है, और जैसे जैसे आपका मैनुअल काम कम हो रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि
मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस, तो जो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हो ह्यूमंस के पास जरूरी नहीं कि हमेशा काम रहे। तो डेवलप्ड नेशंस में ये ट्रेंड इतना नहीं देखा गया है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में जब अपन लोग हिस्टोरिकली देखते हैं क्या ट्रेंड रहा है, तो उसमें देयर आर सम थिंग्स जो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, 9.3.1 पढ़ रहा हूं मैं। Employment has employment growth kept pace with GDP growth in India. In India, GDP has grown at a faster rate than the rate of growth of employment. GDP has grown from a minimum level of around 3% to a level of 8% since introduction of planning in India. The rate of growth of employment has been hanging around 2%. मतलब आपकी GDP तो बहुत 3% से 8% तक पहुंच चुकी है ग्रोथ में। GDP रेट ऑफ ग्रोथ जो आपका GDP होता है वो हर साल 6% से बढ़ रहा है, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है हर साल, जो आपके एम्प्लॉयमेंट में जो लोग जुड़ते हैं हर साल, जो आपके न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं, वो सिर्फ आपके 2% ही एडिशन हो रहा है। इट इज मच लोअर देन एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिस्ट टर्म दिस रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ एंड जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। मतलब आपसे पूछूंगा जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। जॉबलेस ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ जहां पे आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन आपका जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा जिस स्पीड से आपका जीडीपी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके यहाँ ग्रोथ तो है लेकिन वो जो ग्रोथ है वो एक जॉबलेस ग्रोथ है। समझा क्या सबको? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, एंड एक होता है आपका स्टेटस, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इनटू सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड एम्प्लॉयड हो या कैजुअल वेज वर्कर्स हो। ठीक है, तो आप सीधा पीछे पलटो टेबल पे आ जाओ, पीछे वाली टेबल पे आएंगे सब लोग। टेबल पढ़ रहा हूं मैं, पेज नेक्स्ट पेज के टेबल पे आए। तो टेबल में देखो 72-73 में, 1972-73 में प्राइमरी सेक्टर पे आपकी कितनी परसेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, 74.3% पॉपुलेशन आपकी डिपेंडेंट थी 72-73 में प्राइमरी सेक्टर पे, मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। वो अभी घट के 48.9% हो गई है। नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर की जो आपकी एम्प्लॉयमेंट थी वो 10.9 से बढ़कर 24.3 हो गई है, एंड सेकेंडरी सेक्टर सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका 10.9 से बढ़कर 24.3% हो गया है, और टर्शरी सेक्टर में आपका कितना हो गया 14.8 से बढ़कर 26% हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, 40 साल के पीरियड में अपने यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कितनी कम हुई, अपने अराउंड 20-25% एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, द डेटा रिवील्स अ सब्सटैंशियल शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैज डिक्लाइंड बाय नियरली 33% व्हाइल दैट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैज नियरली डबल्ड। द ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि इस टेबल से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, तो आपको क्या लिखना है, दिस शोज दैट कि अपने यहाँ जो ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ अब एग्रीकल्चर के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी हो रही है। एंड सेकेंडली क्या हो गया, आपके यहाँ वर्क फोर्स शिफ्ट हो रही है आपकी कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी में। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, आपका जो रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर है, आपकी जो डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर है, वो डिपेंडेंसी भी आपकी कुछ हद तक कम हो रही है। सबको समझा? हाँ सर, समझ गया। चलो नेक्स्ट टेबल पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टेबल देखेंगे आप लोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके यहाँ पहले 61.4% लोग थे, ठीक है, वो अभी घट के कितने हो गए, 52% हो गए। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज आपके 15.4% थे, वो बढ़ के अभी सिर्फ 18% हुआ। एंड कैजुअल वेज अर्नर्स है वो आपके 23.2 से 30% हो गया। यहाँ पे अपना चिंताजनक विषय आता है, जो आपके कैजुअल वेज वर्कर्स, मतलब आपके रोज रोजी पे काम करने वाले, डेली बेसिस पे काम करने वाले जो पॉपुलेशन है, वो आपकी पहले 23.2% ही थी, लेकिन अब वो बढ़कर 30% हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी पॉपुलेशन का 30% हिस्सा अभी भी ऐसा है जो डेली वेजेस पे जीता या डेली वेजेस के डेली बेसिस के ऊपर सरवाइव करता है। ऐसा क्यों है, इसका एक कारण आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन बहुत ही ये लॉजिकल कारण ये है कि अपने यहाँ जो पॉपुलेशन का सिस्टम रहा है वो पॉपुलेशन
कंट्रोल का जो अवेयरनेस था वो पॉपुलेशन कंट्रोल का अवेयरनेस आपके एजुकेटेड सेक्टर में आया, अनएजुकेटेड सेक्टर में नहीं आया, तो अनएजुकेटेड सेक्टर वैसा ही प्रोड्यूस करता रहा और उसी वजह से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के चलते उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, कैजुअल वर्कफोर्स है, वो आपका बढ़कर 23 से बढ़कर 30 हो गया। अच्छा, इस ट्रेंड को क्या बोलते हैं, जब आपका कैजुअल वर्कर्स का पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ जाता है तो दिस ट्रेंड इज कॉल्ड एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। बचाव अपन कल पढ़ेंगे, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट, तो मैं ये डिसकंटिन्यू करता हूँ सेशन यहाँ से। सबको समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। चलो ओके, बाय क्लास। बाय सर, थैंक यू।